जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। पहला सवाल, वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रख करके किस राज्य में 127 साल पुराने रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया जाएगा? जी हाँ, प्रयागराज उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के खीरी जिला में स्थित दुधवा नेशनल पार्क और बहराइच में स्थित कतरनिया घाट के बीच 1893 में बिछाया गया 127 साल पुराना रेलवे ट्रैक इसलिए बंद कर दिया जाएगा कि यह रेलवे ट्रैक घनघोर जंगलों से होकर के गुजरता है और इस ट्रैक पर आए दिन जंगली जानवर ट्रेन हादसा के शिकार हो जाते हैं और इसलिए 16 फरवरी को यह रेलवे ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में स्थित मैलानी रेलवे स्टेशन, कौन सा? मैलानी रेलवे स्टेशन और बहराइच के बीच यह 206 किलोमीटर लंबी मीटर ग्रेज रेलवे लाइन अब बंद कर दी जाएगी। यानी यह निर्णय कहां पर लिया गया है? उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा प्रयागराज उच्च न्यायालय के आदेश पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बॉस सीजन 13 के विजेता कौन है? जी हाँ, बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला है। कौन? सिद्धार्थ शुक्ला। आपको बता दें कि कलर टीवी पर कलर चैनल पे प्रसारित होने वाला बिग बॉस टीवी सीरियल जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धज्जी उड़ाता है, इसके विजेता सिद्धार्थ शुक्ला जिनको 50 लाख रुपए का पुरस्कार और चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी। हालांकि जब बिग बॉस सीजन शुरू किया गया था वर्ष 2006 में तब इसके तहत 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता था जिसे बाद में पुरस्कार राशि को घटा करके 50 लाख रुपया कर दी गई। आपको बता दें कि बिग बॉस जो फर्स्ट सीजन था उसके विजेता थे राहुल राय और उसको होस्ट किया था अरशद वारसी ने। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने जो कि इसके दूसरे एपिसोड को होस्ट किया। अमिताभ बच्चन ने भी जो है बिग बॉस सीजन के एपिसोड को होस्ट किया था जबकि अब वर्तमान में इसके होस्ट करता है कौन? सलमान खान। असीम रियाज बिग बॉस सीजन के रनर रहे, बिग बॉस सीजन 13 के उप विजेता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाराणसी में शिक्षा एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, वाराणसी नगर निगम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया और भारतीय परिवहन निगम की वो बसें जो अब खटारा हो चुकी हैं उन बसों का पुनः रिकंस्ट्रक्शन करा करके पुनरुद्धार करा करके और उसे शिक्षा एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया गया। शिक्षा एक्सप्रेस दरअसल एक बस होगी जिसमें कि प्रोजेक्टर के माध्यम से मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वे बच्चे जो कि किसी कारण से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं उन बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगाने के लिए ये शिक्षा एक्सप्रेस नामक बस रोज पहुंचेगी जिसमें प्रोजेक्टर पर बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा, उनके अंदर मॉरल वैल्यू डेवलप की जाएगी और पढ़ने के लिए स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम के इस सराहनीय कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा एक्सप्रेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप आदित्यनाथ योगी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आदित्यनाथ योगी के द्वारा। जबकि वाराणसी में उसी दिन महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। महाकाल एक्सप्रेस जो कि उज्जैन और वाराणसी के बीच चलाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, डैन डेविड पुरस्कार 2020 प्रख्यात नारीवादी विद्वान गीता सेन को प्रदान किया गया। किसको दिया गया? गीता सेन को प्रदान किया गया। अब जान लेते हैं कि डैन डेविड पुरस्कार है क्या। तो साइंस इनोवेटिव रिसर्च और सोशल वर्क के क्षेत्र में यानी वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में डैन डेविड पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल और डैन डेविड फाउंडेशन के संयुक्त प्रावधान में तत्वावधान में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 2020 में यह पुरस्कार किसे मिला है? गीता सेन को मिला है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी हाँ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष वयोवृद्ध वैज्ञानिक जी नारायण को बनाया गया। किसको बनाया गया? जी नारायण को। अब बता दें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का एक कमर्शियल विंग है जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी और NSIL की स्थापना जब मार्च 2019 में की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना और उभरते हुए वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का व्यावसायिक उपयोग करना। NISL का अध्यक्ष जी नारायण को बनाया गया। आपको बता दें इसरो यानी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1959 में हुई, हेडक्वार्टर बंगलुरु है और जिसके अध्यक्ष हैं के सिवा। अभी इसरो के द्वारा जो अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया उस मिशन की जो डायरेक्टर थी उनका नाम था ऋतु करिधल, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एम बनीता। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों का भी चंद्रयान 2 में विशेष योगदान रहा। वो अलग बात थी कि चंद्रयान 2 मिशन सक्सेस नहीं हुआ। ऋतु करिधल को भारत में रॉकेट विमेन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 करोड़ साल पुराना प्रजाति का पौधा लाइकोपोडियम कहाँ पाया गया है? जी हाँ, 5 करोड़ साल पुराना प्रजाति का पौधा लाइकोपोडियम जिसका बहुत ही औषधीय महत्व है और यह छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहां पर? छत्तीसगढ़ के जंगलों में लाइकोपोडियम नामक प्रजाति का यह पौधा जिसके बारे में ये अनुमान था कि ये लगभग समाप्त हो चुका है, इसे पाया गया है। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट करके एक अलग राज्य बना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एयर इंडिया के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, एयर इंडिया के नए CMD राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। किसके स्थान पर? अश्वनी लोहानी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया जिसकी स्थापना वर्ष 1932 में JRD टाटा के द्वारा किया गया था, बाद में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है और अभी 1 फरवरी वर्ष 2020 को संसद में बजट पेश करते हुए देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि भारत सरकार एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, यानी एयर इंडिया को अब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बेच दिया जाएगा, जिसका प्रमुख कारण है एयर इंडिया का लगातार घाटे में रहना। हालांकि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत की पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया किस देश में बीमा व्यवसाय करने का लाइसेंस प्राप्त किया है? जी हाँ, भारत की पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया को रूस के सेंट्रल बैंक के द्वारा बीमा व्यवसाय करने का लाइसेंस प्रदान किया गया और रूस में इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया किस देश में बीमा व्यवसाय करने का लाइसेंस प्राप्त किया है? जी हाँ, भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है और जिसके अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव है, इस कंपनी के द्वारा अभी रूस में, कहां पर? रूस में, रूस के सेंट्रल बैंक के द्वारा बीमा व्यवसाय करने का लाइसेंस प्राप्त किया गया, यानी अब इंश्योरेंस बिजनेस में, यानी अब रूस में इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। हालांकि भारत सरकार के द्वारा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए नेशनल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड इंडियन और ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस, इन तीनों कंपनियों को मार्च के लास्ट तक मर्ज करके एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल भारत की री इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस को अभी जो लाइसेंस मिला है मॉस्को में रूस। रूस जो कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एशिया 2020 का जीनोम वैली का एक्सीलेंस अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है?
जी हाँ, बायो एशिया 2020 का जीनोम वैली का एक्सलेंस अवार्ड भारत में नोवार्टिस के सीईओ डॉक्टर बसंत नरसिंहम को प्रदान किया गया। किसको दिया गया है? डॉक्टर बसंत नरसिंहम को। उनके जीव विज्ञान में किए गए योगदान को सलाम करते हुए बायो एशिया 2020 के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। कैंसर रोग के लिए रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल एच जून को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार के वितरण समारोह का आयोजन तेलंगाना सरकार के वार्षिक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रोत्साहन मंच के द्वारा किया जाएगा। इस पुरस्कार के वितरण समारोह का आयोजन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। इस पुरस्कार का वितरण तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के संदर्भ में आयोजित समारोह में किया जाएगा। आपको बता दें, तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2020 विंटर्स गेम कहाँ खेला जाएगा? जी हाँ, खेलो इंडिया 2020 विंटर्स गेम का आयोजन भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाएगा फरवरी के महीने में। यह अनाउंसमेंट भारत के केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया। दरअसल वर्ष 2020 फरवरी में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन लद्दाख में, जबकि मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में होगा। मार्च में कहां पर आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2020 में ही जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, और जम्मू कश्मीर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस समय काफी चर्चा का विषय वस्तु है। और भारत सरकार, चाहे खेल हो या जम्मू कश्मीर का विकास हो या प्रशासन हो, हर तरह से भारतीय केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर इस समय मेहरबान है। द बैंकर्स टॉप 1500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस बैंक में सर्वाधिक ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है? जी हाँ, द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार इंडसइंड बैंक, कौन सा बैंक? इंडसइंड बैंक के ब्रांड वैल्यू में सबसे अधिक 122% 122% की बढ़ोतरी हुई है। इस बैंक ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2019-20 में 3.1 लाख करोड़ की डिपॉजिट स्वीकार की गई है। इंडसइंड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है और जिसके सीईओ हैं रोमेश सोबती, इस बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। और इस बैंक ने विश्व में किसी भी बैंक से सबसे अधिक तेजी से ब्रांड वैल्यू में ग्रोथ किया है। भारत में बैंकों का जो नियामक संस्था है, भारत में बैंकों की रेगुलेटरी जो बॉडी है उसका नाम है आरबीआई, यानी भारत में सेंट्रल बैंक बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, जिसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून है। आरबीआई का लोगो पॉम ट्री के पास खड़ा भारत का नेशनल एनिमल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उसेन बोल्ट से भी तेज दौड़ने वाला श्रीनिवास गौड़ा किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, उसेन बोल्ट से भी तेज गति से, वो भी कीचड़ में, कहां पर? कीचड़ में, दलदलीय क्षेत्र में। उसेन बोल्ट से भी तेज दौड़ने वाले भारतीय श्रीनिवास गौड़ा का संबंध तमिलनाडु में है। कहां से, कहां के निवासी हैं? तमिलनाडु के निवासी हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु में आयोजित होने वाली वार्षिक दौड़ भैंसा दौड़, जिसको कंबाला कहा जाता है, वहां क्या कहा जाता है? कंबाला कहा जाता है। और उस दौड़ में उन्होंने 100 मीटर की दूरी 9.5 सेकंड में, कितना? 9.55 सेकंड में कंप्लीट की, और जमैका के निवासी उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारत सरकार की तरफ से अभी ट्रायल के लिए बंगलोर साई के कार्यालय में बुलाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्मश्री डेवेंडल रॉड्रिक्स का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, पिछले दिनों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हुआ। इनका संबंध फैशन डिजाइनिंग से था। किससे था संबंधित? थे ये फैशन डिजाइनर थे, और भारत सरकार के द्वारा आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जी हाँ, नेशनल
जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत की जैविक बाजार क्षमता को। सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का अवार्ड 2020 के लिए डॉक्टर सोहनी शास्त्री को प्रदान किया। ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम को, खास करके भविष्य की बातों को बताना ही जो है ज्योतिष है, और भारत में ये विधा बहुत पुरानी है। अभी हाल ही में 2020 के लिए बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार डॉक्टर सोहनी शास्त्री को प्रदान किया गया। और इतना ही नहीं, इन्हें बेस्ट इंडियन अचीवर अवार्ड से भी वर्ष 2020 में सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन, दक्षिण भारतीय कम्बाला दौड़ किससे संबंधित है? जी हाँ, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इस सवाल के जवाब के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और पिछले वीडियो में मैंने कल पूछा था आप लोगों से कि निम्न में कौन जापान की ह्यूमनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट आंसर ऑफ द डे, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से कि निम्न में कौन जापान की ह्यूमनॉइड रोबोट है? जी हाँ, कोडोमोराइड। कौन कोडोमोराइड? टीवी पर रोज समाचार पत्र पढ़ने वाला एक समाचार प्रस्तुत करता है और ये जापान की ह्यूमनॉइड रोबोट है। वैसे व्योम मित्र भारत का ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको इसरो ने डेवलप किया है। जिया जिया चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट है, जबकि एला न्यूजीलैंड की ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एक पुलिस अधिकारी है। कल नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।